नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। मित्रों, भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो चाहते हैं कि भारत के बाहर कहीं भी हिंदू धर्म या भारत की संस्कृति का सम्मान हो। यदि कहीं ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा जलन इसी वर्ग को होती है। आज हम आपके लिए फिर से ऐसी ही खबर देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कतई न भूलें। मित्रों, कोरोना वैक्सीन देने के लिए जनवरी 22, 2021 को ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने भगवान पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर साझा कर दर्शाया कि हनुमान जी स्वयं पहाड़ और वैक्सीन लेकर भारत से ब्राजील जा रहे हैं। जैर बोल्सोनारो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, नमस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में भारत के एक महान भागीदार होने के लिए ब्राजील आज खुद को बेहद सम्मानित महसूस कर रहा है। ब्राजील को कोविड वैक्सीन के रूप में मदद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल्सोनारो का यह संदेश रामायण की उस कथा से प्रेरित है जहां भगवान राम के भाई लक्ष्मण युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी सहित पूरा गंधमर्दन पर्वत एक रात में लेकर आ जाते हैं। इसी संजीवनी बूटी से फिर मूर्छित लक्ष्मण होश में आ जाते हैं। ब्राजील राष्ट्रपति द्वारा साझा तस्वीर में हम ओब्रिगाडो लिखा देख रहे हैं। पुर्तगाली में इसका अर्थ आभार होता है। बता दें कि विश्वव्यापी महामारी के समय में भारत अपने दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। इसी कड़ी में ब्राजील ने भारत से वैक्सीन मांगी थी और डिलीवरी के लिए एक प्लेन भेजने का ऑफर रखा था। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो भारत कोरोना वैक्सीन की 1.5 लाख डोज भूटान को भेज चुका है। इसी प्रकार मालदीव में 1 लाख, बांग्लादेश में 20 लाख, म्यांमार में 15 लाख, नेपाल में 10 लाख, सेशल्स को 50,000 और मॉरिशस को 1 लाख डोज पहुंचाई गई है भारत द्वारा। इसके अलावा खबर यह भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन को ब्राजील और मोरक्को भी भेजेगा। दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब को भी आने वाले दिनों में खेप भेजी जाएगी। तो मित्रों, आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।